एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में क्राइम ब्रांच की समीक्षा बैठक पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में क्राइम ब्रांच में चल रहे विभिन्न विवेचनाओं की समीक्षा की गई और उसके गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, तो आपको पहले भी बताया गया, मतलब 24 घंटे के अंदर वापस क्राइम में आएगा? नहीं है। या स्पेशली मुझे बताइएगा सेट की डाल दीजिए, ये वापस करा लिया सेट की। असलम जी बताएं, आपकी 17 है? 12 भी क्या है? 12 बजे बस सर। और देखिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ मैंने क्राइम ब्रांच में कोई इन्वेस्ट ना बढ़ाई नहीं, ना मेरा पर्पज से बढ़ता है। देखा मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता कि ऐसा क्राइम को, मैं बल्कि कहता हूँ क्राइम नहीं जाएगी, तो क्राइम में हो ही जाएगी। जो अर्जेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एक हद तक के जो है जिसमें प्रोफेशनली टाइम ज़्यादा चलेगी, 1919-20 में आपने एक्सपर्ट बन जाए। और मैं आपको यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग पुराने लोग हैं, आपको करना पड़ेगा, ये आज जो हमारी क्राइम ब्रांच होती है उसकी मासिक समीक्षा बैठक है, जिसमें कुछ केसेस क्राइम के पास दिए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट केस होते हैं या जो क्लिस्ट होते हैं, जो मुश्किल वाले थोड़ा केस होते हैं जिसमें टाइम लग रहा होता है, और जनता की डिमांड पर शासन के आदेश से भी कुछ विवेचनाएँ आपको पता है क्राइम ब्रांच करती है। तो उसी सिलसिले में आज क्राइम के आईओस के साथ मीटिंग है, जिसमें इनका पर्यवेक्षण और इनका समीक्षा की जाएगी परफॉर्मेंस की, और इनको देखा जाएगा कि विवेचनाएँ जो है गुणवत्ता के साथ समय के साथ हो सकें।